वी आर गोइंग टू रीड दिस सेलिब्रेशंस इन अ फैमिली. सो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर. मेंबर जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए. फैमिली गेट टुगेदर्स आर द बेस्ट वेज ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेंबर्स. जो भी फैमिली में गेट टुगेदर होता है, मिलना जुलना होता है, वो बेस्ट वे होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का. फैमिली फंक्शंस, वेकेशंस एंड फेस्टिवल्स आर सम ऑफ द ओकेजन्स व्हेन फैमिली मेंबर्स मीट एंड सेलिब्रेट टुगेदर. कुछ फैमिली में फंक्शंस होते हैं या फिर कभी हमारी छुट्टी होती है, जब आपकी समर वेकेशंस होती है तब आप अपने फैमिली में कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने का. दीज सेलिब्रेशंस ब्रिंग फैमिली मेंबर्स क्लोजर टू ईच अदर. जो भी ये सेलिब्रेशंस होते हैं तब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से इसमें क्या होता है, मेंबर्स क्लोज आ पाते हैं ना, एक दूसरे से मिल पाते हैं. तो ये दीज सेलिब्रेशंस ब्रिंग फैमिली मेंबर्स क्लोजर टू ईच अदर. ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं फैमिली मेंबर्स को क्लोज लेकर आते हैं. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 14. थ्रू दीज सेलिब्रेशन चिल्ड्रन लर्न अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ देयर फैमिली. इन सेलिब्रेशंस के थ्रू ही चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, अपने ट्रेडिशन, अपने रीति रिवाज और अपने कल्चर के बारे में जान पाते हैं. दे ऑल्सो गेट अ चांस टू मीट पीपल. उनको चांस भी मिलता है उन लोगों से मिलने का हु आर रिलेटेड टू देयर फैमिली, जो उनके फैमिली से रिलेटेड होते हैं, फैमिली से रिलेटेड होते हैं, बट डू नॉट लिव विद देम. पर उनके साथ वो नहीं रहते, है ना, क्योंकि आपके फैमिली में या तो आपका फादर होते हैं, मदर होते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, या फिर अगर आपका जॉइंट फैमिली होता है तो उसमें अंकल आंट्स ये सब होते हैं ना. सच पीपल आर कॉल्ड रिलेटिव्स. इन लोगों को हम अपने रिलेटिव्स बोलते हैं. इन आवर फैमिली अंकल्स आंट्स एंड कजन्स आर आवर रिलेटिव्स. हमारी फैमिली में जो भी हमारे अंकल आंट और कजन्स होते हैं हमारे रिलेटिव होते हैं. इसके अलावा बेटा हम कब मिल सकते हैं अपने, बिसाइड्स वोकेशंस के अलावा हम कब मिल पाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, जब कोई वेडिंग होती है या फिर कोई फेस्टिवल होता है. वी ऑल इन्जॉय एंड हैव अ फन टुगेदर. वी रिमेन इन टच विद आवर रिलेटिव्स बाय राइटिंग लेटर्स टू देम एंड बाय सेंडिंग ईमेल्स टू देम. सो वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू आवर रिलेटिव्स ऑल्सो. सो वी ऑल्सो स्पीक टू देम ओवर टेलीफोन. ओके, सो वी लव आवर रिलेटिव्स एंड केयर फॉर देम. हम अपने रिलेटिव्स की केयर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तभी हम फेस्टिवल्स में एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं. ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए. ओके.